बुखारी मुस्लिम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान फरमाते हैं कि सारे लोग पूछते थे खैर के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे, मैं शर के बारे में पूछता था। कान अन्नासु यसअलूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल खैर व कुंतु असअलु अनिश शर, मैं शर के बारे में पूछता था, मुझे उससे डर बड़ा लगता था, मखाफता युद्रे का नहीं, इसलिए मैं शर के बारे में पूछता था कि कहीं शर गालिब आ जाए और मैं वहां मौजूद हूं तो मुझे उससे डर लगता था, इसलिए मैं हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर के बारे में सवाल करता था। तो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इन्ना कुन्ना फी जाहिलियतिन व शर्रिन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम शर में थे, जाहिलियत में थे, फजान अल्लाह बिहाज़ल खैर, अल्लाह ने हमें खैर अता फरमा दी, आप तशरीफ ले आए और हमें अल्लाह ने भलाइयां अता फरमा दी, दीन मिल गया। इसके बाद भी कोई शर है, ये खैर आ गया है, क्या इसके बाद कोई शर है? फहल बाद हादल खैर मिन शर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नाम, इसके बाद शर है। हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शर के बाद भी कोई खैर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हां खैर है, वफी है दखनुन, खैर तो है लेकिन उस खैर में एक खोट है, एक खराबी है। उसके बाद जो जमाना आएगा उसमें खराबी, खैर होगी लेकिन खराबी होगी, खराबी वाला खैर। हज़रत हुज़ैफ़ा पूछते हैं मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराबी वाले खैर से क्या मुराद? फमा दाखनुहु, उसकी खराबी क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया खराबी यह है कि कौम यहदूना बगैर हदी, लोगों को रास्ता दिखाएंगे लेकिन वो रास्ता नहीं दिखाएंगे जो मेरे वाला रास्ता है। कौमुन यहदूना, लोग रास्ता दिखाएंगे, रहनुमाई करेंगे, बगैर हदी, मेरे वाला रास्ता नहीं दिखाएंगे, पता नहीं क्या दिखाएंगे, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, पता नहीं क्या सुनाएंगे। अल्लाह अकबर। एक हदीस के अंदर आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्न मिन इक्तिराब साह, कुर्ब कयामत की निशानियों में से यह है, अल्लाह अकबर, कि अन तूज़ा अल अखियार व तुर्फ़ अल अशरार, बदतरीन लोग जो हैं वो बुलंद कर दिए जाएंगे और जो अच्छे लोग हैं आला लोग उनको कमतरीन बना दिया जाएगा। और उसमें फरमाया लंबी लंबी चौड़ी बातें हैं, उसमें ये भी फरमाया व युखवनु फीहिल अमीन, यानी उसमें जो अमीन होगा ईमानदार उसको खाइन समझा जाने लगेगा। अल्लाह अकबर। वयोतमनु फील खाइन, और जो बददयानत तरीन आदमी होगा उसको अदालतें सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देंगी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उसमें एक बात आपने फरमाई कि उसमें वतुकरातिल मुसन्नात, फरमाया उस दौर में मुसन्नात पढ़ी जाएगी। ये मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बुखारी मुस्लिम की हदीस में फरमाया कि कौम यहदूना बगैर हदी, हिदायत और रहनुमाई देने वाले होंगे लेकिन वो मेरी हिदायत के बगैर पता नहीं किस बात की हिदायत देंगे। यहां फरमाया कि वहां मुसन्नात पढ़ी जाएगी। मुसन्नात, साहबी पूछता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मुसन्नात, मुसन्नात क्या होती है, क्या पढ़ा जाएगा? फरमाया मक्तुतिबत सिवा किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब के अलावा जितना लिटरेचर लिखा जा रहा है वो बहुत पढ़ा जाएगा। बस कोई नहीं पढ़ेगा तो कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेगा, बाकी सब दुनिया के फलसफे डिग्रियां पढ़ी जाएंगी, नहीं पढ़ेगा तो कुरान हदीस को नहीं पढ़ेगा। फरमाया कौम यहदून बगैर हदी, लोग बुलाते तो होंगे,
ہدایت دیتے ہوں گے، رہنمائی دیتے ہوں گے، لیکن وہ رہنمائی نہیں دیں گے جو رہنمائی میں لے کے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علی ہدایت نہیں ہوگی. فرمایا تعرف فیہم وتنکر، کچھ باتیں تمہیں ان میں اچھی بھی لگے گی، کچھ باتیں بری بھی ہوں گی، ہر طرح کے ملے جلے قسم کے لوگ ہوں گے. فرمایا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا. اللہ اکبر، اصل یہ ہے خبر جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبر ہم تک پہنچی. آپ نے فرمایا، جب حضرت حذیفہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس کھوٹ والے خیر کے بعد بھی کوئی شر ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم، اس کے بعد جو شر ہوگا وہ ایسا خطرناک شر ہے کہ دعاتن الی ابواب جہنم. تقریریں کرنے والے مولوی بہت ہوں گے، دعاتن بلانے والے ہوں گے، داعی ہوں گے، لیکن بلائیں گے پتہ کس طرف؟ الی ابواب جہنم، وہ سارے کے سارے جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں. من اجابہم الیہا، جس جو شخص ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، من اجابہم الیہا، جو ان کی بات مانے گا، فقذفوہ فیہا، وہ گویا اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جہنم میں لے جانے والے لوگ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ڈر گئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف ہم لنا، آپ ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں، اگر قرب قیامت وہ شر ہم پر آ جائے اور ایسے لوگ ہوں جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں تو اللہ کے رسول ان کی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ مجھے ہمیں پتہ چل جائے، ہم ان نشانیوں کے لوگوں سے بچ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نشانیاں بتائیں تو وہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا. فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا، وہ ہمارے جیسے ہوں گے، ہماری ہی زبان میں بات کریں گے، بات بھی ہماری زبان میں کریں گے، ہوں گے بھی ہمارے جیسے. اللہ اکبر، لیکن ہوں گے جہنم میں لے جانے والے، پھر کیا کریں، کدھر جائیں؟